ज्ञान हुनर से लबरेज हो सारी, आगे बढ़ती आज की नारी। मेरे को भी ऐसी पाबंदी थी, लेकिन मैंने उसको अपने रिमोट कंट्रोल जैसे अपने हाथ में रखा। मैंने बोला नहीं, मेरे को कुछ आगे करना है तो मैं आपसे भी लड़ूंगी, काम भी करूंगी, आर्थिक स्थिति भी सुधारूंगी। मतलब आदमी होते हुए ही सब कुछ कर पाते, अपने दम पे भी कुछ करना सीखना चाहिए। ले हम इधर उधर काम धंधे चले जाते थे तो कोई नहीं जानते थे कि दुर्गा है। घर, परिवार, समाज और परंपराओं की दहलीजों को लांघकर आर्थिक आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही हैं मध्य प्रदेश के अति गरीब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं। आज अगर मैं समूह में नहीं जुड़ती तो ये सब संभव नहीं था। करते कोई न कोई एक्टिविटी, लेकिन संस्था अगर हमको नहीं मिलती तो हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते। जब से मैंने सिलाई की ट्रेनिंग ली है, जब से मतलब 4-5 हज़ार रुपये कमा लेती थी, और आज की स्थिति ऐसी है कि मैं कम से कम 10-12 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। पाइप लाइन खरीदेंगे, पानी मोटर लाएंगे और पाइप लाएंगे और गाड़ेंगे, पाइप लाइन गाड़ी में पानी लाएंगे, हमारा घर व्यवस्था करेंगे। ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार प्रयासों से इन महिलाओं ने अपने लिए एक नई पहचान बनाई। इन्हीं में से हैं देवास जिले की प्रतिभा और धार जिले की ललिता और दुर्गा। समूह में जुड़ने के बाद आज मुझे लगता है कि मैं खुद मालिक हूँ, क्योंकि पैसे का कंट्रोल तो है मेरे साथ में। कि मेरे पति मेरे 10 सालों से मेरे साथ में, फिर भी मैं ये कर रही हूँ। मेरे बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, मेरे भाई को भी पढ़ा रही हूँ, मेरे भाई का भी खर्चा उठा रही हूँ। पहले हम जानते ही नहीं थे, बैंक में जाते ही नहीं थे, अब तो हम बैंक में भी जाने लग गए और एक दूसरे से पहचान भी होने लग गए हमको। कौशल विकास कार्यक्रमों से इन्होंने न सिर्फ खुद को बल्कि अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ाया है। ये संभव हुआ हैंड इन हैंड और लकार मिशन के द्वारा संचालित प्रोजेक्ट रोजगार सृजन मॉडल के माध्यम से गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण। हालांकि मध्य प्रदेश में इस परियोजना को स्थापित करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बारिश कम होता है, सूखा ज्यादा पड़ता है और जिसके वजह से खेती में मजदूरी कम होते हैं। धार जिले में काफी आदिवासी क्षेत्र है, देवास के भी कई जिले आदिवासी अंचलों में आते हैं। पीआरए टूल्स जैसे कि बेसलाइन सर्वे, पार्टिसिपेटरी मैपिंग, गरीबी निर्धारण टूल एवं प्री ग्रुप मीटिंग के द्वारा स्वयं सहायता समूह का चयन और गठन किया गया। बदलाव की इस लहर में प्रतिभा को भी शामिल होने का मौका मिला। बच्चा शुरू करने के बाद हमें फिर स्किल ट्रेनिंग सीएफएल की मिली। सीएफएल की ट्रेनिंग लेने के बाद धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ ऐसा ही रहा ललिता का सफर। उद्योग विभाग से 1 लाख का लोन की प्रोसेस की। मैंने सोचा कि मेरी खुद की एक दुकान हो, तो मैंने साड़ी खरीदी, दुकान डाली और मेरी दुकान अच्छे से चल पा रही है। बिजनेस के बारे में भी ट्रेनिंग हुई है हमारी, मतलब ऐसे करके 7-8 ट्रेनिंग हमको एनएनएस ने दी। दुर्गा ने भी क्रमवार लोन की सहायता से अपना व्यवसाय शुरू किया और खुद की जमीन भी खरीदी। हनालसा से हमको 100 रुपए की ट्रेनिंग मिली थी और जिसके बाद में हम धार गए थे तो खेतीबाड़ी के बारे में बताया था। महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस बढ़ती रहती है वो सीढ़ी सीढ़ी ऊपर चढ़ती है। मैं ये अनुभव करना चाहती थी कि ट्रेनिंग देने से कितना अपने को अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है। तो मैं फिर पानी गाँव गई ट्रेनिंग देने डिटर्जेंट का। तो जब वो कमाने लगती है, उसके पास जब कमाने का जब जरिया आ जाती है, उसके पास जब पैसा आने लगता है, सामाजिक क्षेत्र पर उनका एक बदलाव आता है। प्रशिक्षण का एक अहम हिस्सा रहा सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ाव और एक्सपोजर विजिट। क्रमवार प्रशिक्षण में महिलाओं ने कई नई जानकारी ली, जैसे संगठन बनाना एवं संगठन का सशक्तिकरण, वित्तीय साक्षरता और प्रोड साक्षरता। ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग पाकर महिलाओं ने कई नए उद्यमों की शुरुआत की और मुनाफा भी कमाया। एक बहुत ही असरदार पहलू रहा साक्षरता कार्यक्रम, जहाँ साक्षर महिलाओं ने अपने ही समूह की अन्य महिलाओं को पढ़ा। आज मैंने 22 महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन वो महिलाएं धीरे धीरे करके अभी आगे तक पहुंची है, अच्छे से पढ़ने लगी है, खुद अपना हिसाब किताब रखने लगी है। जैसे समूह में आप जुड़े हो तो आपका सेविंग से मतलब है कि आपको लिटरेसी की आवश्यकता, साक्षरता की आवश्यकता, बचत के लिए जरूरी है। नवम्बर में जब नोटबंदी हुई तो उस समय महिलाओं को सभी को अपने पैसे बैंक में जाकर जमा करना पड़े, तब उनको रियलाइज हुआ कि मुझे अगर अपने पैसे जमा करना है तो स्लिप मुझे भरनी आनी चाहिए। कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसे 2020 तक
आगे बढ़ाया गया है। हमारा 2020 तक 12,000 महिलाओं के साथ में काम करने का उद्देश्य है, जिसमें से 6,000 महिलाएं जिनके व्यवसाय को स्ट्रेंथन करना और उसको इस स्तर तक पहुंचाना कि कम से कम महिलाओं का व्यवसाय 1,00,000 रुपए तक का हो, माइक्रो फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस से माइक्रो एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट कराना और नई महिलाओं को जोड़ के उनको फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस से जोड़ना। मेरी बेटी मतलब अच्छे से पढ़े और आगे कुछ करे कि मैं जो कर नहीं पाई हूँ वो कुछ करे, क्योंकि परिवार अगर साथ नहीं देगा तो महिला आगे नहीं बढ़ पाएगी। मेरा ये अनुभव है कि महिलाओं को पैसा जरूरी नहीं है, उसको सशक्त बनने के लिए खुद को आगे उतरना पड़ेगा। अगर वो पाबंदी में रही तो कुछ नहीं कर पाएगी। हैंड इन हैंड इंडिया का प्रयास यही रहेगा, हर महिला का आत्मविश्वास बढ़ाओ और उनकी अंदरूनी ताकत को पहचानने में हम उनको मदद करें और समूह का और अपना भारत का समाज का विकास में महिला, हर एक महिला का खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के हर महिला सराहनीय स्थान ग्रहण करेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। वो तिनको तिनको से आशियाना बनाती हैं, घर सड़क कारखानों में कांधा मिलाती हैं, तालीम हौसले हुनर को हमराही बना वो आगे बढ़ती जाती हैं, वो आगे बढ़ती जाती हैं।